चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो थिन प्रिज्म है जो उल्टे रखे हुए हैं। ऑब्वियसली नेट डिविएशन जीरो है, तो उसके लिए उल्टे ही रखते होंगे ना। तो दो थिन प्रिज्म है उल्टे रखे हुए हैं, पहले का प्रिज्म एंगल 6 डिग्री और दूसरे का प्रिज्म एंगल निकालना है, चलो ए टू बोल लेते हैं। उसके बाद इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.54 और दूसरे प्रिज्म का मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 दे रखा है। बस हमको पूछा है कि दूसरे वाला जो प्रिज्म है उसका प्रिज्म एंगल कितना हो ताकि इन प्रिज्म दोनों प्रिज्म के कारण रिजल्ट इन मीन डिविएशन जीरो हो जाए, वो देखना है। इजीली कर सकते हैं। तो तुम खुद बताओ कि दोनों प्रिज्म उल्टे रखे हैं तो डिस्पर्शन भी घट जाएंगे, डिविएशन भी घट जाएंगे। तो नेट डिविएशन Δ1 - Δ2, तो नेट मीन डिविएशन कितना होगा? Δ Yellow 1 - Δ Yellow 2। Δ Yellow 1 तो N Yellow 1 - 1 into A1 - Δ Yellow 2 N Yellow 2 - 1 into A2। और नेट डिविएशन जीरो करना है तो उसको जीरो कर देंगे, वैल्यू रख देते हैं। तो N Yellow 1 कितना दे रखा है? 1.51 माइनस 1 इंटू ए वन कितना है? 6 डिग्री माइनस N Yellow 2 वो 1.72 माइनस 1 इंटू ए टू, दूसरे का प्रिज्म एंगल वो हमको थीटा बोल रखा है और नेट डिविएशन जीरो है तो इसको जीरो कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेना। तो आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल तुम्हारे पास 4.5 डिग्री, तो करेक्ट आंसर होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई वायर की इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फ्रेम है जिसकी हर एक साइड 4√3 मीटर और इसमें करंट बाहर है 2 एम्पियर और करंट पूरा चक्कर लगा रही है, मतलब इसको एक कंप्लीट करंट कैरिंग लूप बोल सकते हैं। तो इसके सेंटर पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो बस इस बार करंट पूरा चक्कर लगा रही है, कंप्लीट करंट कैरिंग लूप है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होंगे बल्कि जुड़ जाएंगे। तो किसी एक वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट है इसका 3 टाइम्स। तो चलो है ना, ऐसा करते हैं पहले इस वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। बताओ ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, पर हमको पता है कि फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4π r sin θ1 + sin θ2, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। तो म्यू नॉट आई अपन 4π r, r क्या होती है? r क्या होगी? इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, है ना, ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो बताओ इस ट्राइंगल की टोटल साइड a, तो ये उसकी आधी होगी a/2 और टोटल एंगल 60 डिग्री होता है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 30 है, बेस a/2 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? a/2 का tan 30, जहां tan 30 1/√3 होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? a/2√3। बस इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपन 4π r, इस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2√3 इतनी हो जाएगी। और अंदर फिर sin θ1 + sin θ2, तो थीटा इस आगे वाले सिरे का एंगल आगे जाते हुए मेजर करेंगे और पीछे वाले सिरे का एंगल पीछे जाते हुए मेजर करेंगे, तो हमको होता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल का एडिशन 180 डिग्री, उसमें 90 30 चला गया तो 60, तो सिमेट्रिकली भी 60 होगा। तो sin θ1 की जगह भी 60 और sin θ2 की जगह भी 60, sin 60√3/2, ये भी √3/2, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया? √3 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल। तो इस वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई और ये √3 ऊपर और ये √3, तो multiply 3 अपन 2πa। तो लिख देता हूं ना कि इस एक वायर के कारण है ना, इस एक वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना आ गया? 3 μ0 I / 2πa इतना आ गया, है ना। और
वैसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक वायर के कारण इतना है तो रिजल्टेंट उसका 3 टाइम, लेकिन एक बार कर भी सकते हैं इसको। तो इस एक वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना आ गया, और इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं ना, कोई सीधा वायर तो सीधा रेल लगाएंगे, करंट ऐसे बह रही तो उसकी डायरेक्शन में अंगूठा, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड निकाला है तो हथेली से, और अंगुलियां परपेंडिकुलर मुड़ा देंगे तो अंगुलियां बाहर के हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डॉट डायरेक्शन में। वैसे ही इस वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर उतना ही होगा, और इसकी भी डायरेक्शन डॉट डायरेक्शन में, और इसके कारण भी डॉट डायरेक्शन में, तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो इस एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो तीनों वायर के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटू 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कंफर्म बोल सकते हैं कि सेंटर पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 9 μ0 I/2πa, सेंटर पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा। बस अब वैल्यू रख सकते हैं ना, वैल्यू रख सकते हैं इसमें, करंट की वैल्यू तो हमको कितनी दे रखी है, 2 एम्पीयर इतनी दे रखी है, और ए ए इसकी साइड लेंथ, तो साइड लेंथ हमको कितनी दे रखी है, 4√3, ठीक है ना, और μ0 ओपन 2π, तो μ0 ओपन 4π होता है 10⁻⁷, तो μ0 ओपन 2π कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷। इन सब की वैल्यू रख देना, तो इन सबको सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास, आई थिंक इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3√3 × 10⁷ टेस्ला। तो ये थर्ड आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर है, और अर्थ फिक्स रहेगी, और अर्थ सरफेस से r डिस्टेंस पर, तो सेंटर से 2r डिस्टेंस पर m मास की किसी पार्टिकल को हमने रिलीज किया है, मतलब छोड़ दिया है, तो अगर रिलीज करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण फ्रीली मूव करता है, रेडियली नीचे आएगा और अर्थ से टकराएगा। तो हमको देखना है कि पार्टिकल अर्थ पर कितनी स्पीड से टकराएगा, वो देखना है। बस आराम से बताओ कि एक तो इस पार्टिकल को छोड़ दिया मतलब फ्रीली मूव करा है, और फ्रिक्शन जैसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो बताओ पार्टिकल की इनिशियल से फाइनल तक के मोशन के लिए क्या लगा देंगे, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, मतलब के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। वैल्यू रखते हैं, तो पता होगा कि इतनी ज्यादा हीट है ना, इतनी ज्यादा हीट इन्वॉल्व है, इसलिए इस बार पोटेंशियल जी के लिए एनजीएच वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब पोटेंशियल के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला माइनस gm1 × r। वैल्यू रखते हैं के इनिशियल, तो रेस्ट से स्टार्ट रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यू इनिशियल, तो यू इनिशियल क्या होगा, अर्थ के कारण यह इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस gm1 × r। तो माइनस जी एम वन अर्थ का मास, एम टू पार्टिकल का मास ओपन आर, अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस, तो सरफेस साइड आर है तो सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस आर मतलब 2r इक्वल टू के फाइनल। तो यह स्पीड वी फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस यू फाइनल, तो यू फाइनल होगा अर्थ के कारण यह इसकी पोटेंशियल जी। तो अभी भी अर्थ के सरफेस पर ही है, मतलब अभी भी इफेक्टिवली बाहर ही है, इससे अभी भी जैसे तैसे करके माइनस जी एम वन एम टू ओपन आर से काम चल जाएगा। तो माइनस जी एम वन एम टू ओपन आर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर, इसको सॉल्व कर लेना। तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो जी एम एम ओपन 2r, ये 2 से सॉरी 2 से 2 भी कैंसिल, तो इससे v फाइनल कितना आ जाएगा, रूट जी एम ओपन आर, मतलब पार्टिकल अर्थ के सरफेस पर इतनी स्पीड से टकराएगा। तो देखो ये तो हमने सही तरीके से किया, लेकिन कई बेशर्म लोग क्या करते हैं कि यह इसकी स्पीड निकालनी है तो पार्टिकल के लिए यहां से यहां तक के मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो बताओ कि हाइट काफी कम होती, अरे 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसी कम होती, तो हाइट काफी कम हो तब तो ग्रेविटी फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स या
एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होगा तब तो थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन इस बार हाइट काफी ज्यादा है और हाइट काफी ज्यादा है ना, तो इतनी ज्यादा हाइट के लिए ग्रेविटी फील कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फोर्स है एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, उसकी जगह एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई अल्टरनेटिंग सर्किट है और इसमें अल्टरनेटिंग सोर्स है जिसका वोल्टेज 200√2 साइन ओमेगा टी है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि इस अल्टरनेटिंग सोर्स के वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है 200√2, तो ऑब्वियसली वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी V0/√2, मतलब वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 200 वोल्ट इतनी होगी। अब इसके साथ रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तीनों लगा दिए, बस सर्किट में बहने वाली करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल ली, तो हमको पता है कि कभी भी अल्टरनेटिंग सर्किट हो तो उसको हमेशा रेजिस्टर के वेक्टर डायग्राम से करते हैं, बस रास्ते में जो जो नमूने सबके इफेक्टिव रेजिस्टेंस डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। ठीक, तो बताओ कि एक तो रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर होता है जो हमको 100 दे रखा है। दूसरा इंडक्टर है, तो हमको बताया कि इंडक्टर का रिएक्टेंस एल ओमेगा होता है और लड्डू टाइप से परोस करके दे रखा है 100 ओम। और तीसरा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस 90° नीचे बताते हैं और 1/C ओमेगा, और कैपेसिटर का भी रिएक्टेंस हमको दे रखा है 100 ओम। तो बस अब रिजल्टेंट निकालेंगे, तो बताओ ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये दोनों आपस में कट मरेंगे मतलब कैंसिल हो जाएंगे, तो बताओ रास्ते का नेट इंपीडेंस कितना बचेगा केवल 100, तो रास्ते का नेट इंपीडेंस इतना हो गया, तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या होगा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड अपन रास्ते का इंपीडेंस, तो वैसे ही करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी सिंपली वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपन रास्ते का नेट इंपीडेंस, तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 200 अपन रास्ते का इंपीडेंस 100, तो करंट की आरएमएस वैल्यू 2 एम्पियर, फर्स्ट आंसर आएगा। इजीली इस टाइप के भी कर सकते हो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो देखो इस पे हमको दे रखा है कोई अजीब टाइप के टेम्परेचर स्केल है जिसको डिग्री एक्स बोल देते हैं, और वो जो अजीब टेम्परेचर स्केल है उसमें वाटर के मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर हमको 5° X दे रखा है और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हमको 95° X दे रखा है, तो हमको देखना है कि ये डिग्री एक्स जो टेम्परेचर है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो केल्विन टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा वो देखता है, और उसके बाद हमको चाहिए कि 41° X है उसको केल्विन में कन्वर्ट करके कितना लिख सकते हैं वो देखना है ना। तो तुमको पता होगा कि जो भी टेम्परेचर स्केल के क्वेश्चन है उसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ही करते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो वही वाटर के मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर इस अजीब स्केल में तो 5° X है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन, और ऐसे बताओ बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इस अजीब स्केल में तो 95° X है लेकिन केल्विन में कितना होता है 373 केल्विन होता है। बस तो हमको देखना है कि केल्विन टेम्परेचर डिग्री एक्स टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा वो देखना है, तो हमको अच्छे पता है कि केल्विन टेम्परेचर भी मर्करी कॉलम की लाइन के साथ लीनियरली चेंज करता है, डिग्री एक्स टेम्परेचर है वो भी ऑब्वियसली मर्करी कॉलम की लाइन के साथ लीनियरली चेंज करेगा, तो केल्विन और डिग्री एक्स टेम्परेचर आपस में भी लीनियरली चेंज करेंगे, और बताओ ये दोनों टेम्परेचर आपस में भी लीनियरली चेंज करेंगे मतलब इन दोनों टेम्परेचर स्केल में भी रिलेशन के लिए सिंपली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, और बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी वो अपनी 2 पॉइंट फॉर्मूला y-y1 = y2-y1 / x2-x1 × x-x1। तो चलो कोई भी एक जैसे मान लेते हैं कि x में जो टेम्परेचर है ना, कोई भी एक जैसे मान लेते हैं x में जो टेम्परेचर है x का काम कर रहा है और केल्विन टेम्परेचर y का काम कर रहा है, बस अब हम सिंपली वैल्यू रख देते हैं, तो जो बताओ कि y की जगह तो क्या आएगा केल्विन टेम्परेचर माइनस y1 की जगह क्या आएगा ये t1 तो कितना है 273 इक्वल टू y2 - y1 की जगह 373 - 273 ओपन
एक्स टू माइनस एक्स वन की जगह 95 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स दो है ये टी एक्स है माइनस एक्स वन की जगह टी वन आएगा मतलब 5 आएगा। बस इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास केल्विन और एक्स टेम्परेचर में रिलेशन आ जाएगा। बस और हमको पूछा है कि 41 डिग्री एक्स कितने केल्विन के बराबर होगा, बस में टी एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे हम 41 डिग्री, तो इससे अपने पास टी केल्विन आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो 41 डिग्री एक्स पर केल्विन टेम्परेचर तुम्हारे पास आएगा ये 313.15 केल्विन ऐसा कुछ आएगा। तो बेटा जी टेम्पर स्केल के कभी क्वेश्चन कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बस भगवान का नाम लेकर के 2 पॉइंट फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि रेस से स्टार्ट हो रहा है। अब एक बार इसको वी और दूसरी बार 2V के वोल्टेज से एक्सेलेरेट करते हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा वो देखना है। ठीक तो कर सकते हैं इसको, तो कोई इलेक्ट्रॉन है बाय डिफॉल्ट मानेंगे रेस से स्टार्ट रहा है। अब इसको हाई स्पीड देने के लिए इसको डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट कर रहे हैं, पर हमको अच्छे पता है कि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट करें तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी क्यू डेल्टा वी, तो क्यू की जगह ई इंटू डेल्टा वी इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। बस अब इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा वो देखना है, तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा एच बाय पी, और एच अपन मोमेंटम पी को खोल करके रूट टू एम के ई, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई ई डेल्टा वी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गया एच ओपन रूट ऑफ 2m के ई की जगह ई डेल्टा वी। तो हमको होता है एच भी कांस्टेंट 2m ae, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो 1/√ΔV पे डिपेंड करेगा। तो बताओ पहले केस में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/√V1, और दूसरे केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/√V2। तो इसका डिवाइड करेंगे तो पहले और सेकेंड केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो रूट ऑफ V2/V1, तो रूट ऑफ V2 तो कितना है 2V/V1V, तो √2 ये रेशियो आ गया, इजीली कर सकते हैं इसको। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखो तो बहुत सिंपल है, इसमें हमको दे रखा है कि कोई फिक्स दीवार है, स्प्रिंग लगा दिया और उससे एम मास का कोई ब्लॉक लगा दिया, मतलब सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम है, लेकिन पहले केस में जो मास जोड़ा है 1 kg और दूसरे केस में मास 2 kg है, तो इस सिस्टम की एंगुलर फ्रिक्वेंसी का रेशियो क्या होगा वो देखना है। ठीक तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम की एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, सिंपली √K/M। अब बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग तो दोनों में सेम है, बस मास ही डिफरेंट है, तो इस बार एंगुलर फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/√M होगी। तो फर्स्ट केस में एंगुलर फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/√M1, सेकेंड केस में एंगुलर फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/√M2। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ω1/ω2 इक्वल टू √M2/M1, तो √M2 तो 2m11, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशो √2 आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों 16 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो कोहेरेंट वेव्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और इंटेंसिटी भी सेम है, मतलब पहले वेव की इंटेंसिटी आई तो दूसरे की भी आई, और ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और पहले केस में हमको दे रखा है कि दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 है ना, तब इक्वल इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो हमको पता है कि पहले केस में दोनों वेव के पाथ डिफरेंस 0 है, तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस भी 0 होगा, और फेज डिफरेंस 0 होगा तो दोनों के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इक्वलेंट एम्पलीट ए प्लस ए मतलब 2A, इक्वलेंट एम्पलीट 2A तो इक्वलेंट इंटेंसिटी 4I होगी। ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या कोई मंद बुद्धि हो तो फॉर्मूला भी लगा सकता है कि बताओ फेज डिफरेंस 0 है तो इक्वलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी,
आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव, तो आई वन आई आई टू आई टू रूट आई वन की जगह आई रूट आई टू की जगह आई इंटू कॉस फाइव कितना है जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले केस में इक्वल इंटेंसिटी फोर आई आएगी, और पहले केस में जो इक्वल इंटेंसिटी आई नॉट बोल रखा है वो कितनी होगी फोर आई। अब सेकेंड केस में देखना, तो देखो सेकेंड केस में इन दोनों वेव के पार्ट डिफरेंट लैम्डा बाय टू है, तो तब इक्वलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमको देखना है ना। तो इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना, तो स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट कर सकता है कि सेकेंड केस में दोनों के पार्ट डिफरेंट लैम्डा बाय टू है तो फेज डिफरेंस कितना होगा के डेल्टा एक्स। तो बताओ के तो कितना होता है टू पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स कितना है लैम्डा बाय टू, तो सॉल्व करेंगे तो फेज डिफरेंट पाई आएगा। तो हमको डायरेक्ट पता है कि पार्ट डिफरेंट लैम्डा बाय टू है फेज डिफरेंट पाई हो तब दोनों वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इक्वलेंट एम्पलीट्यूड ए माइनस ए मतलब जीरो, तो इक्वल इंटेंसिटी जीरो का स्क्वायर मतलब बड़ा जीरो, बाकी जीरो ही आएगी। या कोई चाहे तो कर भी सकता है कि इस केस में पार्ट डिफरेंट लैम्डा बाय टू फेज डिफरेंट पाई है तो इक्वल इंटेंसिटी कितनी होगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाई की जगह पाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल इंटेंसिटी जीरो आएगी। तो इस सेकेंड केस में जो इक्वल इंटेंसिटी उसको आई वन बोल रखा है तो जीरो आएगी। और थर्ड केस में देखना, तो इसको हटा देता हूं मैं। थर्ड केस में देखना, तो थर्ड केस में इन दोनों वेव के पार्ट डिफरेंट लैम्डा बाय फोर है तब जो इक्वल इंटेंसिटी आई है उसको आई टू बोल रहे हैं कितनी आएगी वो देखना है। तो थर्ड केस में तो करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन से, तो थर्ड केस में पार्ट डिफरेंट लैम्डा बाय फोर है तो मिलने वाली वेव के फेज डिफरेंस कितना होगा के डेल्टा एक्स, तो के तो टू पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लैम्डा बाय फोर। सॉल्व करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई बाय टू, जिसको अपने अनपढ़ों के शब्दों में 90 डिग्री बोल सकते हैं, बस फेज डिफरेंस इतना आ गया। तो इक्वल इंटेंसिटी कितनी होगी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन की जगह आई रूट आई टू की जगह आई इंटू कॉस फाइव कितना है 90, और कॉस 90 जीरो थे सब जीरो, तो इस बार इक्वल इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी टू आई। बस हमको पूछा है कि आई नॉट ओपन आई वन प्लस आई टू का रेशियो क्या होगा, तो आई नॉट तो फोर आई ओपन आई वन कितना है जीरो प्लस आई टू टू आई, तो रेशियो टू आ गया, फर्स्ट ऑप्शन होगा, इजीली कर सकते हैं। चलो बच्चों 17 देखते हैं। तो इसमें हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और उनकी डायमेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो चलो सबसे पहले ए पार्ट, तो ए पार्ट पे हमको दे रखा है इम्पल्स, और हमको अच्छे पता है कि इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स की डायमेंशन सिंपली मोमेंटम के बराबर ही होगी, और मोमेंटम एम इंटू वी, तो एम को तो डायमेंशन ही कैपिटल एम, और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपन टाइम, तो उसकी डायमेंशन एल बाई टी, तो मोमेंटम की डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस वन, तो इम्पल्स की भी डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस वन होगी। तो ये कौन मैच कर रहा है आर से, तो इससे मैच करेगा आर। वैसे ही बी ऑप्शन में एनर्जी डेंसिटी है, तो हमको पता है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमको अच्छे पता है कि एनर्जी वर्क के इक्वलेंट होती है, और वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क या एनर्जी की डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस टू ओपन वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, तो इससे एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, तो ये कौन सा मैच कर रहा है क्यू है ना, तो बी से मैच करेगा क्यू। ऐसे ही सी ऑप्शन में देखना, सी ऑप्शन में प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है सिंपली डीपी बाय डीएक्स,
किसी का भी पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट डीपी बाई डीएक्स, तो बताओ डीपी एक टाइप का प्रेशर होगा और प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, प्रेशर होता है फोर्स ओपन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू ओपन एरिया की डायमेंशन एल स्क्वायर। तो प्रेशर की डायमेंशन कितनी आ गई, एम वन एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू, अपन डीएक्स एक लेंथ होगी तो इसकी डायमेंशन एल। तो प्रेशर ग्रेडियंट की डायमेंशन आ गई एम वन एल की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू। तो ये कौन सा मैच कर रहा है, एस, तो इससे मैच करेगा ये एस वाला ऑप्शन। फिर टॉर्क, तो हमको बताया कि टॉर्क बेसिकली क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर तो एक टाइप की लेंथ है तो डायमेंशन एल, और फोर्स की डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क की डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस टू। देख कौन सा मैच करेगा, हाँ ये कौन सा मैच करेगा, पी, तो इससे मैच करेगा पी। तो ये सेकेंड आंसर सही है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है और डेफिनेशन पर बेस्ड है। तो कई बच्चे सोचते हैं कम्युनिकेशन में केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ कई बार ऐसे लैंग्वेज या डेफिनेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन में न्यूमेरिकल के साथ साथ ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट, उसको भी कराते हैं। देखो इसमें अलग अलग टर्म्स हैं, तो उसकी करेक्ट डेफिनेशन कौन सी हो तो कौन मैच करेगा वो देखना है। तो पहले ए पार्ट में एटेन्यूएशन, ठीक है, हमको बताया कि डिसिपेटिव इफेक्ट के कारण है ना, सिग्नल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं डिसिपेटिव इफेक्ट के कारण उसकी पावर या उसकी स्ट्रेंथ घटती है, जिसको एटेन्यूएशन बोलते हैं। तो इससे कौन मैच करेगा, थर्ड वाला, तो इससे मैच करेगा थर्ड। फिर रिपीटर, तो हमको बताया कि एटेन्यूएशन से निपटने के लिए क्या करते हैं, बार बार अपनी जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं एम्पलीफायर के यूज करके। तो एटेन्यूएशन को खत्म करने के लिए बार बार सिग्नल की स्ट्रेंथ जो बढ़ाते हैं है ना, उसके लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको रिपीटर बोलते हैं। तो वो बार बार अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ या पावर बढ़ाएगा और उससे उसकी रेंज भी बढ़ेगी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इससे कौन मैच करेगा, ये फिफ्थ वाला पार्ट। फिर डीमोडुलेटर, तो हमको होता है जो डीमोडुलेशन होता है मॉड्यूलेशन का उल्टा प्रोसेस होता है, जिसमें अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव से अलग करते हैं। तो इससे कौन मैच करेगा, फर्स्ट वाला पार्ट। फिर ट्रांसड्यूसर, तो हमको होता है कि ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होता है जो मैसेज की किसी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो जो माइक है वो साउंड के सिग्नल को है ना, जो माइक है वो साउंड के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी एक ट्रांसड्यूसर है। तो ट्रांसड्यूसर सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो वैसे सेकेंड ऑप्शन है, इतना परफेक्ट नहीं है, वो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता, एक्चुअली सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर भी ये सेकेंड वाला ऑप्शन ठीक ठाक है ना। और ट्रांसमीटर, ये पता होगा कि जो ट्रांसमीटर एंटीना है वो जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके आकाश में भेज देता है। तो इससे कौन मैच करेगा, इससे फोर्थ मैच करेगा। तो ट्रांसमीटर क्या करता है कि जो भी अपने इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल है उसको सूटेबल फॉर्म में, मतलब यूजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करके आकाश में भेज देता है, उसको ट्रांसमीटर बोलते हैं। इससे फोर्थ मैच करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। चलो बच्चों 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कोई गन है जिसका टोटल मास 10 kg है और ये 20 ग्राम की छोटी छोटी बुलेट्स को फायर कर रहा है और 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी फायर कर रहा है। और देखो इस वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि ये निकलने वाले बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और किसी को एड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। तो बस हमको पूछा है कि 1 सेकेंड के बाद इस गन की रिकॉइल स्पीड कितनी होगी वो देखना है। चलो सबसे देखते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी बुलेट को फायर कर चुका होगा वो देखना है। तो तुम कॉमन से बताओ कि 180 बुलेट
पर मिनट फायर कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में कितनी बुलेट फायर कर रहा है, 180। तो बताओ तो 1 सेकेंड में कितनी बुलेट फायर करेगा, 180 बाय 60 मतलब 3 बुलेट। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में 3 बुलेट को फायर कर चुका होगा, जिसमें हर एक बुलेट का मास 20-20 kg है और हर एक की स्पीड 100-100 है। तो बताओ बुलेट आगे की ओर फायर करेगा तो एज ए रिएक्शन गन पीछे की ओर रिकॉइल होगी, तो इसकी रिकॉइल स्पीड कितनी होगी वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं कि इसकी रिकॉइल स्पीड वी है। बस हमको अच्छे बताया कि कभी भी रिकॉइल स्पीड निकालनी हो तो ऐसे केस में हम सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। ना हमको पता है कि जो भी फोर्स लगेगा वो बुलेट और गन के बीच आपस में लगेगा, कोई तीसरा पर्सन तो टच नहीं करा ना। तो तब पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब टोटल मोमेंटम जितना शुरू में होगा उतना ही बाद में। तो इनिशियली तो सब रुके हुए थे, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनली बुलेट की वेलोसिटी सॉरी गन की वेलोसिटी वी पीछे की ओर है, तो उसका मोमेंटम तो कितना हो गया, मास तो 10 और वेलोसिटी वी पीछे की ओर है तो माइनस वी। और बुलेट का मोमेंटम तो था एक बुलेट का मोमेंटम एम इंटू वी, तो मास 20 ग्राम है, इसको किलोग्राम में 20/1000 इंटू वी, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी 100 है। और तो ऐसे ऐसे 3 बुलेट है तो इनका मोमेंटम इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 10V इक्वल टू ये सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, तो V इक्वल टू 0.6, मतलब इसकी रिकॉइल स्पीड 0.6 मीटर पर सेकेंड ये होगी। अब देखो इसमें एक और चीज कि वैसे तो गन से है ना, वैसे तो गन से बुलेट निकलेंगी तो इस गन का मास भी घटेगा, लेकिन इस बार जो बुलेट निकल रही है उसका मास बहुत ही कम है, इसलिए गन का जो मास रिड्यूस होगा या जो मास वेरी करेगा उस इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं और ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें गन का जो मास रिड्यूस हो रहा उसको भी अगर कंसिडर करना हो तो फिर हमको वेरिएबल मास की इक्वेशन लगानी होगी, है ना, कि गन का मास रिड्यूस हो रहा वो भी देखना और साथ में इसकी वेलोसिटी का फंक्शन निकालना हो, तो फिर हमको वेरिएबल मास की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, मतलब पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एम इंटू डीवी बाई डी टी माइनस वी रिलेटिव डीएम बाय डी टी ये लगाना पड़ेगा।